एक्चुअली सामान्यतः वैसे 6 दिवस पर हम पेशेंट्सों के लिए कैंप्स लगाते हैं और उनमें एक्टिव केस फाइंडिंग का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के कारण से ये कैंप वगैरह स्थगित कर दिए गए हैं। पास में पूरे जिले में लगभग 2500 मरीज हैं कि जो कि टीबी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, साथ ही साथ में 200 मरीज ऐसे भी हैं जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से इन सभी अपने मरीजों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे मरीज जिनको डायबिटीज है और जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं जिनको ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको इस वक्त पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे मरीजों को जिनका की इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज होता है, ऐसे लोगों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने की ज्यादा संभावना है। मैं उन सभी को ये सलाह देना चाहता हूँ, यदि उनको टीबी का ट्रीटमेंट जिन आदमियों को चल रहा है, यदि इस वक्त पर उन्हें किसी तरीके का सर्दी जुकाम या बुखार होता है, बहुत तेज बुखार होता है, सर्दी जुकाम होता है, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। हमारे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर उपलब्ध हैं, वहां जाकर अपनी जांच कराएं कि कहीं उनको साथ साथ में इस तरीके का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है।